धौलपुर जिले के राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर 24वें दिन भी धरना जारी रहा। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विकास अधिकारी संघ ने आक्रोश व्यक्त किया। राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 सूत्री मांगों को समय रहते सरकार ने लागू नहीं किया तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार ने 3 बार लिखित समझौता कर वादा खिलाफी की है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान गुजर ने बताया कि 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार विकास अधिकारी संघ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2021 को संगठन के पदाधिकारियों ने संपूर्ण प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आग्रह पत्र भेंट कर विकास अधिकारी संपर्क की मांगों को शासन और सरकार से सकारात्मक देने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार मांग पत्र को लेकर गंभीर नहीं है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का आंदोलन 4 अगस्त से चल रहा है और इसको आज 24वां दिन हो गया है और सरकार हमारी मांगों पर अभी तक विचार नहीं कर रही है और अगली हमारी मांगों को विचार नहीं किया गया और सकारात्मक कार्रवाई नहीं, तो इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। 10 सितंबर तक आंदोलन सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों पर करना जारी है और 11 सितंबर से शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की है और इस हमें खेद है कि जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जनता के बहुत सारे काम अटके पड़े हैं, विकास के कार्य रुके हुए हैं, लेकिन सरकार का इसको कोई ध्यान नहीं है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और हमारी मांगों को ठीक पूरा करना चाहिए।